हेलो दोस्तों, तो मेरे टर्टल ने फिर से एक बार अंडे दे दिए हैं। एंड आज के वीडियो में मैं हाउ टू रीओपन एंट्री पॉइंट ऑफ बराउ, हाउ टू रिमूव टर्टल एग्स फ्रॉम बराउ, हाउ टू क्लीन टर्टल एग्स एंड हाउ टू मेक मार्किंग ऑन टर्टल एग्स, ऐसे चार टॉपिक कवर करने वाला हूँ। ओके, तो मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी चींटियाँ इकट्ठा हो गई है। तो टर्टल को अंडे दिए हुए सिर्फ 1 घंटा भी नहीं हुआ एंड यहाँ पर कितनी सारी चींटियाँ इकट्ठी हो गई है। तो मैं थोड़ी सी मतलब जगह साफ़ कर लेता हूँ, यहाँ की मतलब जितनी भी पत्तियाँ वो गिरी है वो सब निकाल देता हूँ एंड आपको बाद में वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ पे टर्टल ने अंडे दिए है। तो आपको मतलब ये सर्कल दिख रहा होगा जो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इसके अंदर की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा टाइट है एंड बाहर की लूज है एंड आपको मतलब वो दरार भी हल्की हल्की नज़र आ रही होगी। तो मैं सिंपली इसके ऊपर की सारी मिट्टी में निकाल देता हूँ। ओके, तो वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि मतलब सारी मिट्टी एकदम क्ले की तरह हो गई है। आप इससे मतलब खिलौने भी बना सकते हो। वैसे इस मिट्टी का मैं और भी दूसरी जगह पर यूज़ करता हूँ, पर मैं वो कहाँ करता हूँ ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। ओके, तो इसके आगे की क्लिप शूट करते वक्त थोड़ा सा एरर आ गया था, इस वजह से मैं इसके आगे की शूटिंग कर नहीं पाया, पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। ओके, तो इस जगह पर इसका मतलब बराव का मुंह है एंड मैंने ऊपर की मिट्टी हटा दी एंड उसका मुंह ओपन कर लिया। ओके, तो मैंने ये प्लास्टिक का डब्बा ले लिया है अंडे रखने के लिए एंड आप देख सकते हो कि मैंने मतलब बराव का मुंह ओपन कर लिया है एंड अंदर कितनी सारी चींटियाँ हो गई है। तो मतलब मुझे बहुत सारे चींटियों ने काटा मुंह ओपन करते वक्त, इस वजह से मैं मतलब प्रॉपरली शूटिंग नहीं कर पाया। तो मैं सिंपली अपने दो उंगलियों से अंडे को उठाने वाला हूँ। तो ये सिंपली ऐसे मैंने ये अंडे को उठा लिया। ओके, तो और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अंडा है एंड ये मैंने सिंपली अंडे को उठा दिया। तो आप पूछोगे कि मैंने पानी क्यों डाला, क्योंकि वही चींटियाँ बहुत हो गई थी, मुझे बहुत काटा है चींटियों ने। ओके, तो मैंने सारे अंडे निकाल लिए हैं एंड आप देख सकते हो कि जो अंडे के ऊपर चींटियाँ थी वो अब कपड़े के ऊपर आ गई है एंड फिर भी कितनी सारी चींटियाँ है। तो मैं और एक बार आपको टेक्निक बता देता हूँ। ये सिंपली मैंने दो उंगलियों की मदद से अंडे को अपने दो उंगलियों के ऊपर लिया एंड सिंपली उठा लिया। तो यही टेक्निक है बस। ओके, तो सारे अंडे क्लीन करने के लिए मैंने ये सेटअप बनाया है एंड आप देख सकते हो कि ये हमारे सारे टोटल अंडे हैं एंड टोटल 11 अंडे हैं। तो मैंने एक मतलब उसी डब्बे में पानी ले लिया है एंड एक कॉटन भी ले लिया है। बस मेरे पास यहाँ पर ब्रश नहीं है, तो ब्रश की ज़रूरत क्या है, तो ऊपर की जो जो गाढ़ी मिट्टी होती है वो निकालने के लिए सिर्फ हमें ब्रश लगता है। तो वो काम तो मुझे अभी हाथों से करना पड़ेगा। तो मैंने ये अंडा पानी में डाला एंड थोड़ा सा उसको पानी के अंदर साफ़ कर लिया, मतलब जितनी भी ऊपर की मिट्टी होती है वो पानी के अंदर घुल जाती है एंड अंडा थोड़ा सा साफ़ हो जाता है। बाकी जितनी भी मिट्टी रह जाती है वो मैं कॉटन से साफ़ कर लेता हूँ। तो देखो मैं किस तरीके से साफ़ करता हूँ, मतलब जो अंडा है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होने देता मैं, मतलब अंडा रोटेट करता हूँ पर उसकी पोजीशन चेंज नहीं करता हूँ। तो मैं मतलब और एक बार आपको बता देता हूँ। तो ये सिंपली मैंने एक अंडा लिया, उसके ऊपर की जो जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी हाथ से निकाल पाता हूँ उतनी निकाली, बाकी का अंडा मतलब पानी के अंदर धो लिया एंड सिंपली मैंने एक साइड से कॉटन को रखा एंड अंडे को पूरा ऐसे रोटेट किया एंड ये हमारा जो अंडा है वो साफ़ हो गया। तो जस्ट मैं ऐसे ही रोटेट करके अंडे को साफ़ करता हूँ पर उसकी पोजीशन चेंज नहीं करता हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारे अंडे को अब साफ़ करने वाला हूँ। तो और एक बार आप देखो, ये मैंने पानी के अंदर से अंडा निकाला एंड ये उसके ऊपर कॉटन रखा एंड सीधा मैंने ये अंडा ऐसे घुमाया, मैंने उसकी पोजीशन चेंज नहीं की, मतलब मैंने उसको हॉरिजॉन्टली रोटेट किया, वर्टिकली रोटेट नहीं किया।
तो वर्टिकली रोटेट करने से मतलब थोड़ा सा अंडा डैमेज हो सकता है। आप उसको हॉरिजॉन्टली कितना भी रोटेट करो, ज़्यादा कुछ मतलब उसका उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर वर्टिकली रोटेट करने से थोड़ा सा फ़र्क उसको पड़ सकता है, मतलब अंदर से थोड़ा सा अंडा डैमेज हो सकता है। तो ऐसे ही मैं सारे अंडों को हॉरिजॉन्टली ही साफ़ करता हूँ, वर्टिकली नहीं करता हूँ। तो ऐसे ही मैं एक एक करके सारे अंडों को साफ़ कर लूँगा। तो मैंने सारे अंडे साफ़ कर लिए हैं एंड अब बारी है इनके ऊपर मार्किंग करने की। तो मार्किंग करने के लिए मैं सिंपली ग्राफाइट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ये वही ग्राफाइट है जो हम पेंसिल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं थोड़ा सा अंडों को थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ। ओके, तो ये ग्राफाइट मैंने पेंसिल के अंदर से निकाला है एंड इसके मतलब अंडे के ऊपर मैं सिंपली इजिकल टू का साइन बनाने वाला हूँ। तो ये जो ग्राफाइट की लीड है तो इसका जो एंड पॉइंट है वो बिल्कुल भी शार्प नहीं है जिससे अंडा डैमेज हो। तो मैं सिंपली इसको अंडे के ऊपर रगड़ के अलग अलग सिंबल बनाता हूँ। तो एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि आप ये मतलब सारे अंडों पर ऐसे अलग अलग सिंबल क्यों बनाते हो। तो मैं इसका जवाब आने वाले वीडियो में आपको जल्द ही दे दूंगा। तो ऐसे ही मैंने सारे अंडों के ऊपर मार्किंग कर दी है एंड अब बारी है इन सब अंडों को इनक्यूबिलेटर के अंदर रखने की। तो मैं सिंपली यही कपड़ा मतलब इस तरीके से इनके ऊपर ढक दूंगा एंड इन सब अंडों को मैं मतलब डब्बे के अंदर रख कर इनक्यूबिलेटर में रख दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। हम मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।